रेंज ऑफ वाई इक्वल्स टू लॉग टू, लॉग बेस टू, फिर ये फंक्शन दिया है आपके पास। हाँ, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो गिवन है उसमें पी क्या चीज है। पी है 3 sin x - 4 cos x। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, हम पी की रेंज निकालेंगे। पी की रेंज क्या हो जाएगी, पी की रेंज हो जाएगी माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो पी आपका क्या आएगा, पी आएगा आपका -525। अब जो गिवन चीज है उसमें रख देंगे हम पी, वाई इक्वल टू लॉग बेस टू, ये फंक्शन बन गया हमारा पी +15/10। हाँ जी, पी की दो वैल्यू आई है, एक मिनिमम है और एक मैक्सिमम है। हाँ जी, तो हम एक बार ले लेंगे पी मिनिमम वाई इक्वल टू लॉग टू, पी मिनिमम +15/10 क्या हो जाएगा आपका, पी मिनिमम क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू लॉग ऑफ टू बेस टू -5 + 15/10। थोड़ा ध्यान से देखोगे, इसको सोल्व करोगे तो आसान है। वाई इक्वल टू लॉग बेस टू, ये बनेगा 10/10, जो आगे जाके लॉग में बनेगा 1, और ये 1 बनते ही क्या बना देगा, 0। ये 1 बनते ही क्या बना देगा, 0। चलो हम मैक्सिमम देख लेंगे, भाई मैक्सिमम क्या होगा। तो ये हो जाएगा लॉग बेस 2 पी मैक्सिमम +15/10। छोटे छोटे हैं इसलिए थोड़ा स्पीड से किया जा रहा है। लॉग बेस 2 ये बनेगा 5 + 15/10। सोल्व किया जाएगा तो बन जाएगा लॉग बेस 2 20/10, और 20/10 होते ही लॉग ऑफ बेस 2 ऑफ 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। तो वाई की रेंज आ गई है, वाई की रेंज आ गई है 0 से 1, वाई की रेंज आ गई है 0 से 1। छोटी छोटी स्टेप से हमने क्वेश्चन किए, जो पहले करके आए थे उसी तरीके से हमने क्वेश्चन किया। मैंने कल आपको हिंट भी दिया था कि इसको फी मान लीजिएगा और फिर पी की रेंज निकाल लीजिएगा। पी की रेंज वाला फॉर्मूला आपको पता ही है, पी की रेंज वाला आपको पता ही है।